हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूँ जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। और इसके आगे की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी कौन से एरिया में रहती है और कहाँ पे आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर एंड इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हो। तो इसके आगे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख लेना। और अभी ये उसका दूसरा पार्ट है और इस वीडियो में अभी हम जा रहे हैं सिटी में और मैं आपको यहाँ से सिटी का व्यू दिखाता हूँ और साथ में मैं आपको वो भी बताता हूँ कि तरुण भाई मेरे लिए क्या लेके आए हैं, क्योंकि वो पिछली वीडियो में मुझे आपको बताना था मगर वो रह गया था क्योंकि यहाँ पे अभी टेम्परेचर -7 डिग्री के आसपास है और हमारे हाथ पूरी तरह से जम गए थे और हमने ग्लोव्स भी नहीं पहने थे, तो इसके रीज़न से हम ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे थे कैमरे को। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको आगे जाके बताता हूँ कि वो मेरे लिए क्या लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं माउंट सालत की ओर और देखो अभी हमने जैकेट वैकेट सब चढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पे अभी टेम्परेचर है -7 और फील लाइक है -10, तो इसके रीज़न से हमने जो विंटर जैकेट है वो जो यहाँ से मिलता है वही ले लिया है, क्योंकि जो नॉर्मल जैकेट हमने पहना था वो सुफिशियंट नहीं है यहाँ पे ठंड में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं माउंट रॉयल सालत के ऊपर और यहाँ से मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मॉन्ट्रियल का नाइट टाइम व्यू। अगली जो भी मैंने वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन दिखाया था वो आपको मैंने डे टाइम में दिखाया था, मगर नाइट टाइम में यहाँ से आपको मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन कैसा दिखता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी मेरे साथ जुड़े हैं तरुण भाई भी, तो हम दोनों यहाँ पे आए, हालांकि अभी टेम्परेचर -10 डिग्री है तो हम दोनों की यहाँ पे कुल्फी जम गई है। और ये पहली क्रिसमस है कि अभी तक क्रिसमस का ऐसा माहौल है कि अभी तक यहाँ पे मॉन्ट्रियल में ऐसी स्नोफॉल नहीं हुई है जैसी हर बार होती है। और लास्ट टाइम जब यहाँ पे क्रिसमस आई थी तो उस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल नहीं थी, मीन्स स्नो नहीं थी, तो उसको हम यहाँ पे ब्लैक क्रिसमस बोलते थे। तो इस बार भी अभी माहौल ऐसा ही है कि अभी यहाँ पे ऐसा कोई हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे स्नो नहीं दिख रही है, मगर हाँ ठंडी यहाँ पे अभी भी -10 डिग्री के आसपास अभी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ तरुण भाई मेरे लिए क्या लेके आए हैं। तो तरुण भाई आप क्या लेके आए हो मेरे लिए? इंडियन स्पाइसी स्नैक्स वेजिटेबल पफ। तो यहाँ पे उन्होंने अपने घर पे बनाया हुआ वेजिटेबल पफ वो मेरे लिए लेके आए हैं और हम लोग अभी यहाँ पे वेजिटेबल पफ खाने वाले हैं माउंट रॉयल सालत के ऊपर। और ये देखो यहाँ पे पफ मिलता नहीं है मगर हमें खुद बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे वो घर से पफ बना के लेके आए हैं तो हम लोग यहाँ पे पफ खाने वाले हैं। तो देखो अभी हम आ गए हैं माउंट रॉयल सालत के ऊपर और यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं वेजिटेबल पफ। अच्छा है तरुण जी पफ तो। और यहाँ पे आपको देखो ये जो ग्रीन लाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे है कार्तिक अर्धे स्पेक्टाकुलर और वहाँ पे अभी विंटर गार्डन फेस्टिवल चल रहा है तो वहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो में अगली कोई बार जब वहाँ पे जाऊँगा तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊँगा और वहाँ पे अभी क्रिसमस का जो भी फेस्टिवल चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
तो वो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे मॉन्ट्रियल में जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो ज़्यादातर वो कार्तिक दे स्पेक्टाकुलर पर होते हैं, और वो जो ग्रीन बिल्डिंग है वहाँ पे होते हैं। एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग के सामने जो स्क्वायर है वहाँ पे होते हैं, और ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है आरबीसी की हेडक्वार्टर। यहाँ पे तरुण भाई इंडिया पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और अभी वो इंडिया पे फ़ोन में लगे हैं और यहाँ से लोगों को वो माउंट रॉयल का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये था माउंट रॉयल सालेट से मॉन्ट्रियल का नाइट टाइम का व्यू। अब यहाँ पे माउंट रॉयल के ऊपर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है जहाँ से आपको मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन दिखता है, और जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से आपको मॉन्ट्रियल का जो ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा वहाँ से आपको दिखता है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मॉन्ट्रियल का ईस्टर्न पार्ट, वो नाइट में कैसा दिखता है वो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ, और वहाँ से आपको मॉन्ट्रियल का जो ओलंपिक स्टेडियम है वो भी दिखेगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं माउंट रॉयल के दूसरे पॉइंट के ऊपर, और वहाँ से मॉन्ट्रियल का ईस्ट पोर्शन दिखता है। तो यहाँ से मैं आपको मॉन्ट्रियल ईस्ट कैसा दिखता है वो भी यहाँ से दिखाता हूँ, और यहाँ से आप ओलंपिक स्टेडियम भी देख सकते हो। तो नाइट में यहाँ पे मॉन्ट्रियल ईस्ट का नज़ारा कैसा है वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये था मॉन्ट्रियल का ईस्ट पोर्शन, और यहाँ पे माउंट रॉयल पे दो पॉइंट थे जो मैंने आज आपको दिखाए, जिसमें एक पॉइंट से मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन दिखता है, और ये जो पॉइंट अभी जो हमने देखा वहाँ से मॉन्ट्रियल का ईस्ट पोर्शन दिखता है, और मॉन्ट्रियल ईस्ट बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीट बोलो, क्या पॉपुलर रेस्टोरेंट बोलो, या फिर जो भी फेमस जो है, जो एक्टिविटी होती है और पार्क है, गार्डन है, वो सब मॉन्ट्रियल ईस्ट में है। डाउनटाउन फाइनेंशियल सेंटर है, तो वहाँ पे एक्चुअली फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, मगर जो कल्चरल एक्टिविटी होती है वो मॉन्ट्रियल ईस्ट पोर्शन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ से मैंने आपको जो दिखाया वो था मॉन्ट्रियल का ईस्ट पोर्शन, और जो ओल्ड मॉन्ट्रियल का जो सिटी है, मीन्स वो ओल्ड नहीं, जो पहले से यहाँ पे पुराना सिटी है वो नहीं, मगर जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि बॉम्बे है, तो बॉम्बे में जैसे बॉम्बे का बॉम्बे सेंट्रल एरिया है, तो ऐसे ईस्ट मॉन्ट्रियल ईस्ट का एरिया ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो डेली पीपल यूज़ करते हैं, और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है वो होती है डाउन टाउन में। जनरली डाउन टाउन में क्या होता है कि डाउन टाउन में फाइनेंशियल सेंटर होता है, वहाँ पे सब कंपनी के हेडक्वार्टर और वो सब होता है, और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उनके कैंपस होते हैं। मगर जो ईस्ट पोर्शन का जो ये पोर्शन मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो अदर एक्टिविटी होती है वो सारी अदर एक्टिविटी यहाँ पे ईस्ट पोर्शन में होती है। तो ये था दोस्तों मॉन्ट्रियल का नाइट टाइम व्यू,
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। अब फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे। और तरुण भाई की ओर से बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।